मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए ऋतु से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर 12 का प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र ओ वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC 40 डिग्री है। यहाँ देखिए वृत्त का केंद्र ओ है और दो संकेंद्रीय वृत्त है, एक अंदर वाला वृत्त और एक बाहर वाला वृत्त। तो यहाँ हमको बस इतना सा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आपको दिख रहा है, ये क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि जो बाहरी वृत्त का जो त्रिज्याखंड ये बना हुआ है, ठीक है, OAEC ये वृत्तखंड, इसमें छोटे वाले वृत्तखंड का क्या, सॉरी वृत्तखंड कह रहे हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, ज्ञात कर देंगे। ये बाहरी सेक्टर है और ये अंदर वाला सेक्टर है। सेक्टर मैंने बताया त्रिज्याखंड, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसका क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो सीधे जो है दिया हुआ है कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। इसको जो है हम मान लेते हैं R2 से दिखा रहे हैं, ठीक है। और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या ये है मान ले 7 सेंटीमीटर है, इसको हम R1 मान लेते हैं, ठीक। और त्रिज्याखंड का जो केंद्र पर बना हुआ कोण है, या कोण हमारा है 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री कोण बना हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, ये बड़े वाले त्रिज्याखंड में से छोटा वाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर घटा देंगे। तो ये हो जाएगा बड़े वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 और गुणे पाई R2 का स्क्वायर आप माइनस थीटा बटा 360 और पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, यह है 40 डिग्री और बटा ये है 360 और गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे 14 × 14 और माइनस 40/360 और गुणे 22/7 और गुणे 7 × 7। देखिए ये छोटा वाला जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है और ये बड़ा जो त्रिज्या है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक, R2 है, यह है R2। तो यहाँ पर देखिए ये काट देंगे तो 1/9 हो जाएगा, ठीक, और 7 × 14 तो यहाँ 22 × 44, 1/9 × 44 और गुणे 14 और माइनस ये भी 1/9 हो जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा, ठीक। तो 22 × 7/9 देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 × 14 = 56, यानी कि 616, ये आ जाएगा 616 और 9 और माइनस ये आ जाएगा हमारा 7 × 14 154 और 9, इसको घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 462/9, 462/9 3 से काट देंगे, ये हमारा आ जाएगा 154 और 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, शेडेड रीजन का छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन आपके सामने है। कह रहा है कि छायांकित आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD तथा BPCB दो अर्धवृत्त है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, तो
यहाँ देखेंगे तो यह जो है ए बी सी और डी, ये क्या है? वर्ग है, ठीक है। और ये दो अर्धवृत्त बने हुए हैं, ठीक। ये दोनों अर्धवृत्त है यानी कि सेमी सर्कल है, ठीक है। और ये छायांकित भाग है, ये जो बचा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए आधा वृत्तीय है, आधा वृत्तीय है, और दोनों की त्रिज्या कितनी होगी? ये जो है ये व्यास होगा जो कि कितना है, 14 सेंटीमीटर है, व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। तो पहले स्क्वायर यानी कि वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और फिर आधा वृत्तीय है और आधा वृत्तीय है, दोनों मिल करके एक पूरा वृत्त बनाएंगे जिसकी त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। तो स्क्वायर वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात क्या करते हैं, घटा दें तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो आइए जो है, और वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है कि ये क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर होता है, 14 × 14 हो जाएगा। और आधा वृत्त और आधा वृत्त मिलकर के एक वृत्त बनाएंगे, यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात क्या करते हैं, घटा दें अगर वर्ग के क्षेत्रफल में से, तो क्या ज्ञात हो जाएगा? हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये बिंदु है कितना है, पी, मान लेते हैं कि पी है। तो यहाँ पर पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक। वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 14 × 14, और 14 में 14 का गुणा करेंगे तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। और एक एक जो है सेमी सर्कल, ठीक है, यानी कि अर्धवृत्त, कौन सा, ए पी और डी, अर्धवृत्त वृत्त ए पी और डी का क्षेत्रफल, तो ए हो जाएगा 1/2 और गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 2 से 11 बार में कट जाएगा और 7 से 1 कट गया, तो 11 × 7 = 77, यह आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल है 196, ठीक है, और ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया है 77, और इसका भी कितना होगा, 77, यानी 2 × 77 घटा देंगे, 2 × 77, तो ये हमारा आ जाएगा 196 और माइनस 7 × 14 = 15, 154, ठीक। तो ये घटाने पर कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल हो गया, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के साथ, तब तक विदा दीजिए, जय हिंद।